नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, आज हम आज हम बात बात करेंगे करेंगे ग्लीज ग्लीज कंपनी कंपनी की की एक एक बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जिस जिस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का का नाम नाम है है जी जी अमीनो अमीनो प्लस प्लस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। है। जी जी अमीनो अमीनो प्लस प्लस के के लाभ। लाभ। जी जी अमीनो अमीनो प्लस प्लस एक एक जैविक जैविक उत्पाद उत्पाद है है जिसमें जिसमें अमीनो अमीनो एसिड एसिड समाहित समाहित है। है। यह यह पौधों पौधों को को पोषक पोषक तत्व तत्व प्रदान प्रदान करने करने तथा तथा फसल फसल की की पैदावार पैदावार को को बढ़ाने बढ़ाने में में मदद मदद करता करता है। है। यह यह पौधों पौधों में में प्रोटीन प्रोटीन बनाने बनाने की की प्रक्रिया प्रक्रिया को को बढ़ाने बढ़ाने में में सहायक सहायक है। है। यह यह प्रकाश प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण की की क्रिया क्रिया को को तेज तेज करने करने तथा तथा पत्तियों पत्तियों में में मौजूद मौजूद छिद्रों छिद्रों की की कार्यक्षमता कार्यक्षमता को को बढ़ाने बढ़ाने में में मदद मदद करता करता है। है। यह यह पौधों पौधों में में परागकण परागकण व व फल फल बनने बनने की की प्रक्रिया प्रक्रिया को को बढ़ने बढ़ने में में सहायक सहायक है। है। यह यह पौधों पौधों की की रोग रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता क्षमता को को बढ़ाने बढ़ाने में में भी भी मदद मदद करता करता है। है। मिट्टी मिट्टी का का उपचार उपचार कैसे कैसे करेंगे? करेंगे? 100 ml ML जी जी अमीनो अमीनो प्लस प्लस को को 100 100 किलोग्राम किलोग्राम गोबर गोबर की की खाद, खाद, भुरभुरी भुरभुरी मिट्टी मिट्टी या या वर्मी वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट में में मिलाकर मिलाकर आधा आधा एकड़ एकड़ के के हिसाब हिसाब से से पौधों पौधों की की जड़ों जड़ों पे पे बुरकाव बुरकाव करें। करें। स्प्रे स्प्रे की की विधि, विधि, आप आप स्प्रे स्प्रे कैसे कैसे करेंगे? करेंगे? 100 ml जी जी अमीनो अमीनो प्लस प्लस को को 150 150 लीटर लीटर पानी पानी में में मिलाकर मिलाकर आधा आधा एकड़ एकड़ के के हिसाब हिसाब से से छिड़काव छिड़काव करें। करें। 10 दिनों दिनों के के बाद बाद दोबारा दोबारा प्रयोग प्रयोग में में लाएं। लाएं। नोट, नोट, ध्यान ध्यान में में रखने रखने योग्य योग्य बातें। बातें। बेहतर बेहतर परिणाम परिणाम के के लिए लिए चाय, चाय, बागवान बागवान और और सब्जियों सब्जियों में में प्रयोग प्रयोग करें करें जी जी अमीनो अमीनो प्लस प्लस का का उपयोग उपयोग गेहूं, गेहूं, चावल, चावल, गन्ना, गन्ना, कपास, कपास, सूरजमुखी, सूरजमुखी, मक्का, मक्का, बाजरा, बाजरा, आलू आलू, आदि आदि फसलों फसलों में में भी भी किया किया जाता जाता है। है। सो सो थैंक थैंक यू यू दोस्तों, दोस्तों, आपको आपको जी जी अमीनो अमीनो प्लस प्लस के के बारे बारे में में पूरी पूरी जानकारी जानकारी मिली मिली होगी। होगी। आप आप हमारे हमारे चैनल चैनल में में बने बने रहने रहने के के लिए लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड एंड कमेंट कमेंट जरूर जरूर करें, करें, जिससे जिससे आपको आपको इस इस तरह तरह की की वीडियो वीडियो की की नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आपको आपको मिलती मिलती रहेगी। रहेगी। सो सो थैंक थैंक यू, यू, धन्यवाद। धन्यवाद।